नमस्ते सभी को, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, और जो लोग भी मेरे वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को बहुत सारा दिल से वेलकम। ये वैकेशन टूर का पार्ट टू है, व्लॉग पार्ट वन आया था। आई होप आप लोगों ने पार्ट वन देखा होगा, बहुत ही अच्छा व्लॉग था। वो नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लो, और ये पार्ट टू को बहुत एंजॉय करके देखो। ये है दमन जामपुर बीच, बहुत नाम है ये बीच का और बहुत सुंदर है। आप अगर नहीं घूमे हो तो आके एक बार घूम के जाओ, जरूर घूम के जाओ, बहुत अच्छा है। मैं 7-8 साल पहले गई थी, इतना सुंदर नहीं था, अभी जितना सुंदर बनाया है। बहुत सारे रील्स बनाए हम लोगों ने, बहुत सारे फ़ोटोशूट किए। इंस्टा में FB में ज़रूर फॉलो करना, मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। सभी लोग वैकेशन में गांव जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन कलकत्ता नहीं गए हम लोग, क्योंकि गर्मी में इतना दूर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग दिवाली के टाइम में ही ज़्यादातर जाते हैं, तभी थोड़ा ठंडा ठंडा वेदर रहता है तो अच्छा भी लगता है। दिवाली के टाइम में काली पूजा होता है हमारा उधर, फिर भाई दूज होता है, तो इसीलिए तभी जाते हैं। फिर उस दिन मन कर रहा था कि खाली गोला खाओ, आइसक्रीम खाओ, ठंडा पियो, फिर ठंडा पानी पियो। हम लोग बंगाली है ना, सब चीज़ को खाओ खाओ बोलते हैं, तो डोंट माइंड। हाँ, क्योंकि बहुत गर्मी था ना, इसलिए इतना ज़्यादा प्यास लग रहा था। तो हम लोग चादर लेके आए थे, चादर बिछा के मस्त बीच के बाजू में बैठे थे बहुत घंटों तक, बहुत मज़ा आया। फिर इधर बहुत बड़ा शॉपिंग करने का जगह है, बहुत शॉपिंग कर सकते हो आप। मैंने तो बेटी के लिए थोड़ा बहुत शॉपिंग किया है उस दिन। के सारे ट्रेंडिंग जो टी शर्ट होता है, टॉप होता है, हॉट पैंट, लेडीज़ के लिए और बच्चों के लिए, सभी के लिए, मतलब बहुत अच्छे हैं। फिर हम लोगों ने हॉर्स कार में उठा था, बहुत मज़ा आया था उसमें भी। ईच पर्सन का शायद 50 रुपीज़ लिया था, और बहुत सारे राइड्स भी थे उधर, पैराशूट था, फिर बोटिंग था, आप चाहे तो वो सब भी कर सकते हो, सभी का अलग अलग प्राइस है। हॉर्स कार में बैठने के बाद समुंदर का जो नज़ारा है, जस्ट वाव। आप जब उठोगे, फील करोगे, तभी आप वो बता सकते हो। मैं बता के तो नहीं बयां कर सकती, इतने सुंदर नज़ारा था। शाम का टाइम हो रहा था, सूरज ढल रहा था, बहुत ही प्यारा नज़ारा था। रिटर्न आने के टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत शॉपिंग किया। मुझे नमक और हल्दी रखने के लिए थोड़ा ऐसा बर्तन चाहिए था। बोलते हैं कि बर्तन, मतलब नमक ऐसे ही बर्तन में नहीं रख सकते आप, कोई भी स्टील में या फिर प्लास्टिक में, इसलिए मुझे ऐसा बर्तन लेना था। और इधर शादी का बारात भी जा रहा था, बहुत डांस कर रहे थे सब लोग, और मेरा भी मन हो रहा था कि मैं भी जाके उसमें डांस करूँ, इतना मन हो रहा था डांस करने का। फिर सुबह से मैं चाय नहीं पी थी, तो जैसा हेड पेन हो रहा था, तो देवर ने एक स्पेशल चाय पिलाया, बहुत ही टेस्टी वाला, गुड़ वाले चाय था वो, बहुत अच्छा लगा। फिर कब टाइम निकल गया पता भी नहीं चला, कम से कम करीबन 11-12 बजे हम लोग उस दिन डिनर किया था। तो देवरानी आने के बाद खाना बनाई, पनीर की सब्जी या परवल फ्राई और चावल, ऐसा कुछ बनाया था, बहुत ही यमी बनाया था। हम लोगों ने बोला हॉल में आज सब नीचे बिस्तर डाल के बड़ा सा फिर सोएंगे, बहुत सारे बातें करेंगे, बेडरूम में कोई नहीं सोएगा, ऐसा करके हम लोगों ने नीचे बिस्तर लगाया और मस्त सोए पूरे रात भर। फिर सुबह हो गए, गुड मॉर्निंग सभी को। अभी हम लोगों को निकलने का भी टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी हम लोग नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे।
आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहना। थैंक यू।